कौन एक भरा पूरा जीवन नहीं चाहता, एक ऐसा जीवन जो उन गलतियों से मुक्त हो जो हमने अतीत में की हैं, एक ऐसा जीवन जो वास्तव में इस दुनिया में भलाई करने वाला हो, ये एक स्वाभाविक भीतरी इच्छा है। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लेकिन समस्या यह है कि इस बेहतर जीवन में परिवर्तन, कड़ी मेहनत, त्याग शामिल है। परिणाम स्वरूप कई या अधिकांश लोग अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने से चूक जाते हैं, क्योंकि वे इसमें परिवर्तन, कड़ी मेहनत और त्याग को शामिल होने से कतराते हैं। लेकिन इस पुराने जीवन को जाने देने और नए जीवन को हासिल करने का जो पुरस्कार है, उसका वर्णन करने के लिए उपयुक्त शब्द खोजना बहुत कठिन है। एकदम चमत्कारिक, अति उत्तम। अतीत में हमने जो कुछ भी अपनी नाकामियों और बहानों में जिया है, उससे ये बहुत बेहतर है। निसंदेह आज परमेश्वर का हृदय ये देखने के लिए हमारी निगाहें ऊपर उठाना चाहता है कि जब हम उसके साथ एक शक्तिशाली साझेदारी में प्रवेश करते हैं तो क्या कुछ संभव है। बाइबल में लिखा है इफिसियों उसका 4 अध्याय 22-24 वचन में कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिवाचाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। तो अब हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, बदतर और बदतर या बेहतर और बेहतर? हमारी मूर्खता में हम जो बुराई करना चाहते हैं उससे अनजान रहना आसान है, परंतु परमेश्वर पवित्र आत्मा यहाँ और अभी हमारे हृदयों और हमारे मनों को बदलने के लिए तैयार है। इसलिए नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। ये उसका ताज़ा वचन है आज आपके लिए।